हेलो बच्चों, ऑल राइट, हेलो माय ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक. दिस इज योर वेरी ओन पेस बैच एंड आई एम टीना चोपड़ा, योर जूलॉजी मेंटर. आज तो गाइज मेरे नाम के आगे ना रोबो लगने वाला है. आई एम श्योर थोड़ी देर में तुम खुद कमेंट करने वाले हो कि मैम आज बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो, मैं बिल्कुल रोबोटिक हो चुकी हूँ, माय नेक इज स्टिफ. ठीक है, सो बियर विद मी अगर आज थोड़ा अजीब लगे तो. एनीवेज, सो गाइज लेट्स गेट बैक टू स्टडीज. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ठीक है, नाउ लेट्स बी हैप्पी बिकॉज लास्ट चैप्टर है ये हमारा और आज इसका लेक्चर वन है. ठीक है, अब केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लास्ट चैप्टर जिसमें कि हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे पढ़ेंगे, हॉर्मोन्स के बारे पढ़ेंगे. मैं एक बात सोच रही थी, सो आई वॉन्टेड टू डिस्कस इट विद यू. लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, ठीक है, कि तुम्हारे क्या ख्याल हैं इसके बारे. आई वॉज थिंकिंग कि हमारा इतना सारा सिलेबस हो चुका है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, तो क्यों ना एक क्विज रखा जाए इसके बाद. व्हाट डू यू हैव टू से? ठीक है, सो लेट मी नो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो यू हैव टू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन. ठीक है, एंड एज ऑलवेज आई हैव बीन रीडिंग योर कॉमेंट्स. कल मैंने तुम्हें पूछा था कि ENT स्पेशलिस्ट को क्या कहते हैं. सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड इट करेक्टली दैट ENT स्पेशलिस्ट का स्पेसिफिक नाम होता है ऑटो राइनो लेरेंजोलॉजिस्ट. कईयों ने सिर्फ ऑटो लेरेंजोलॉजिस्ट लिखा है, बट द परफेक्ट टर्म इज ऑटो राइनो लेरेंजोलॉजिस्ट. ऑटो वर्ड कहाँ से आया? ईयर से, कल हमने पढ़ा था. डू रिमेंबर ओटोलिथ्स? इनर ईयर में, सेमी सर्कुलर कैनाल्स में. राइनो वर्ड इज फॉर योर नोज, नेजल रीजन. ठीक है ना, कॉमन कोल्ड को हम राइनाइटिस बोल देते हैं और इस स्टडी को हम नोज से रिलेटेड स्टडी को हम राइनोलॉजी बोलते हैं. ये नोज की सर्जरी राइनोप्लास्टी कहलाती है. तो राइनो वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड टू नोज. ठीक है, एंड लेरेंजोलॉजिस्ट वर्ड कम्स फ्रॉम लेरिंग्स, राइट, गला, वॉइस बॉक्स. सो ऑटो राइनो लेरेंजोलॉजिस्ट इज द टर्म फॉर ENT स्पेशलिस्ट. आई रिमेंबर आई वॉज इन क्लास 11th और 12th, ये मुझसे पूछा गया था, पर मुझे नहीं पता था, बट उस दिन के बाद मैं कभी नहीं भूली. एनीवेज, सो स्टार्ट करते हैं गाइस इस चैप्टर को. कमेंट से याद आया, यू नो एट टाइम्स तुम लोग इतना दिल खोल के हमें प्रेज करते हो, लाइक इट गेट्स वेरी इमोशनल समटाइम्स एंड इट इज ऑलवेज वेरी मोटिवेटिंग दैट यू आर रियली एक्नॉलेजिंग द एफर्ट्स दैट द होल फैमिली ऑफ फिजिक्स वाला इज पुटिंग इन फॉर ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच गाइस. सो ये चीज़ हमें हमेशा मोटिवेट करती रहती है कि हम और से और बेटर करते रहें तुम्हारे लिए. एंड थैंक यू, अ वेरी वेरी हार्ट फेल्ट थैंक यू. ठीक है, चलो अब वापस आते हैं पढ़ाई पे. तो गाइस स्टार्ट कर रहे हैं हम ये चैप्टर केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लेक्चर नंबर 1. नाम समझ लेते हैं पहले चैप्टर का. तो केमिकल कंट्रोल, ठीक है, हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में जब भी पढ़ रहे थे तो मैंने तुम्हें एक बात बार बार बोली है कि हमारी बॉडी में जो सब कुछ हो रहा है वो वेल कंट्रोल्ड है, रेगुलेटेड है, कोऑर्डिनेटेड है ना. ऐसा नहीं है कि होना शुरू हुआ तो होता ही जा रहा है, नहीं, उस पर एक रोक भी लगेगी, रेगुलेशन होगा. कंट्रोल है जो इसको, यानी हमारे सिस्टम्स को बताता है कि हाँ ये काम करो या ना करो. और कोऑर्डिनेशन है कि अलग अलग सिस्टम्स एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं, इन कोऑर्डिनेशन काम कर रहे हैं. Isn't it? ब्रीदिंग रेट, हार्ट रेट, तुम्हें पता है एक साथ इंक्रीज होता है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन ज्यादा अंदर आ रही है तो उसको पंप भी करना है. आर यू गेटिंग दिस? तो बहुत सारे सिस्टम्स एक साथ मिलके काम करते हैं, तो दिस इज कोऑर्डिनेशन. अब कंट्रोल, रेगुलेशन, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर दो सिस्टम्स ने जिम्मेदारी ले रखी है, दैट इज योर नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड इज द वन वी आर गोइंग टू स्टडी टूडे. इससे गर्दन ज्यादा मूव नहीं हो रही है. ठीक है, सो द सेकेंड सिस्टम इज दिस केमिकल कंट्रोल. नर्वस कंट्रोल के बारे हम पढ़ चुके हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे मास्टर्स हैं, जो हमारे थिंकर्स हैं, डिसीजन मेकर्स हैं. लेकिन इन थिंकर्स के होने के बावजूद भी गाइस, इनके बावजूद भी हमें केमिकल कंट्रोल की जरूरत पड़ी. क्यों पड़ी? देखो, जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे ना तो आई विल टेल यू कि सबसे पहले जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने के लिए एक सेल बना था, दैट वॉज ए पोलर न्यूरोन, वो बना था सीलेंट रेटा के अंदर. वी हैव डिस्कस्ड इट ऑलरेडी. ठीक है, तो जैसे जैसे बॉडी कॉम्प्लिकेट होती गई, कॉम्प्लेक्स होती गई, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होता गया, टिश्यूज बनते गए, ऑर्गन्स बनते गए, उनके ऊपर जो कंट्रोल था वो भी बढ़ता गया. आर यू गेटिंग दिस? अब नर्वस सिस्टम की बात ऐसी है कि वो एक ऑर्गन को कंट्रोल करता है. ठीक है, लेकिन काम तो सेल्स ने करना है,
तो एक एक न्यूरॉन एक एक सेल को जाके मैसेज नहीं दे पाता कि हाँ तुम ये करो या ना करो। तो जैसे जैसे बॉडी कॉम्प्लेक्स होती गई, बड़ी होती गई, हम लोग इवॉल्व होते गए, बेटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती गई। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम बेशक था, लेकिन धीरे धीरे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन इवॉल्व हुआ हमारा केमिकल कंट्रोल, यानी ऐसी ग्लैंड्स बनी जो कि ऐसे हॉर्मोन्स बनाएंगी, ऐसे केमिकल्स बनाएंगी जो रेगुलेशन करेंगे, कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो आई होप तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या होने वाला है। आई नो तुमने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है ये हॉर्मोन्स के बारे, सो इट्स नॉट समथिंग वेरी न्यू टू यू, यू आर नॉट एलियन टू इट, बट हम पढ़ेंगे अब इसे थोड़ा डिटेल में, है ना। धीरे धीरे अब हम एडवांस करेंगे अपनी पढ़ाई को। चलो तो गाइस स्टार्ट करते हैं कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में डिफरेंसेस क्या हैं, क्यों जरूरत पड़ी। मैंने तुम्हें बता दिया कि बॉडी कॉम्प्लेक्स होती जा रही थी, हर एक सेल पे कंट्रोल रखने की जरूरत थी, हर न्यूरॉन एक एक सेल को कंट्रोल नहीं कर सकता, है ना। तो हर सेल को मैसेज देने के लिए कि ये करो या ना करो या कम करो या ज्यादा करो, इसके लिए केमिकल्स की जरूरत पड़ी। एंड उन केमिकल्स को हम बोलते हैं हॉर्मोन्स। क्या बोलते हैं? हॉर्मोन्स। और उनको सिक्रीट करने वाली ग्लैंड्स कहलाती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये दो सिस्टम्स हैं गाइस, एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, जो बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए सो स्टार्ट करते हैं डिफरेंसेस के साथ। तो देखो, नर्वस सिस्टम काम करता है नर्व इम्पल्सिस के थ्रू, साइनेप्सिस, केमिकल्स। हमने पढ़े थे कि साइनेप्सिस पे कई बार केमिकल्स की भी जरूरत पड़ती है, न्यूरो ट्रांसमिटर्स, राइट, और कुछ इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस भी होते हैं। देन ये जो सिस्टम है काफी फास्ट काम करता है, इंस्टेंट इफेक्ट होता है, इजंट इट। देन रिस्पॉन्स लेकिन शॉर्ट लिव्ड होगा, यानी जब तक इम्पल्स आ रही है तब तक ही काम होने वाला है, लेकिन इंस्टेंट इफेक्ट होता है। एंड देन इम्पल्स एक्ट्स ऑन द इंडिविजुअल सेल्स। ठीक है ना, एक एक सेल यानी एक ऑर्गन के ऊपर ओवरऑल इफेक्ट हो गया। अब एंडोक्राइन देखो, एंडोक्राइन कैसे काम करती है? हॉर्मोन्स के थ्रू। यहां इम्पल्सिस थी, यहां पे हॉर्मोन्स आएंगे। ठीक है, और हॉर्मोन्स, न्यूरॉन खुद मैसेज को कैरी करता है टू द इंडिविजुअल ऑर्गन, लेकिन हॉर्मोन्स को पहुंचाने के लिए टिश्यू तक जरूरत पड़ती है ब्लड की। अच्छा, इसका इफेक्ट जो है काफी फास्ट था, इंस्टेंट इफेक्ट था, ये स्लो होता है। ठीक है, और धीरे धीरे अपना इफेक्ट शो करता है, और इफेक्ट रहता भी लंबा टाइम है। ये अगर इंस्टेंट इफेक्ट शो करेगा तो इसका इफेक्ट होता भी शॉर्ट लिव्ड है, इसका इफेक्ट यूजुअली लॉन्गर लास्टिंग होता है। इज दैट क्लियर? ये जो इम्पल्स है, सॉरी, जो नर्वस सिस्टम है, इसका इफेक्ट इंडिविजुअल सेल या इंडिविजुअल ऑर्गन के ऊपर होगा, यानी जिस ऑर्गन के ऊपर इम्पल्स आई सिर्फ वही रिस्पॉन्ड करेगी। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम में जो हॉर्मोन्स बनते हैं, एक एक हॉर्मोन का वाइड स्प्रेड इफेक्ट होता है। इज दैट क्लियर? अब हम आज पढ़ेंगे बहुत सारे हॉर्मोन्स एंड वी विल सी कि वो एक हॉर्मोन कितने सारे ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। इज दैट क्लियर गाइस? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का चैप्टर, दैट इज डेडिकेटेड टू एंडोक्राइन सिस्टम। एंड आई टोल्ड यू ये एंडोक्राइन सिस्टम्स क्या रिलीज करते हैं? हॉर्मोन्स। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, देखो ग्लैंड्स हमारे अंदर कई तरह की होती है। ग्लैंड का मतलब है सिंपली जो सिक्रीट करे कोई भी चीज, जो सिक्रीट कर कोई भी ग्रुप ऑफ सेल्स, या चाहे एक सेल जो भी सिक्रीट कर रहा है वो ग्लैंड है। ठीक है, अब डिपेंडिंग कि उसकी डक्ट है या नहीं है, उस बेस पे हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर डक्ट होगी तो एक्सोक्राइन कहलाएगा, फाइन, और अगर डक्ट नहीं होगी तो उनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। सो अनदर नेम फॉर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज डक्ट लेस ग्लैंड्स। इनकी डक्ट नहीं होती है तो जो भी ये सिक्रीट करती हैं वो डाल देती हैं ब्लड के अंदर। तो देखो, मान लो कि ये एक ग्लैंड है, दिस इज द ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज सिक्रीटिंग समथिंग, एंड दैट समथिंग इज नोन एज हॉर्मोन्स। ठीक है, अब इस ग्लैंड के आसपास कोई डक्ट तो है नहीं, तो इसलिए ये अपने हॉर्मोन को किसके अंदर डालेंगी? ब्लड के अंदर। सो दिस इज अ ब्लड वेसल, तो यहां से हॉर्मोन डाल दिया जाता है ब्लड के अंदर। सो ब्लड इज द कैरियर ऑफ हॉर्मोन्स। इज इट क्लियर? तो ग्लैंड्स ये क्या सिक्रीट करती है? हॉर्मोन्स सिक्रीट करती है। अब ये हॉर्मोन नाम कहां से आया? देखो, हॉर्मोन का मतलब होता है बेसिकली टू एक्साइट। क्या मतलब होता है? टू एक्साइट। ठीक है,
यानी जो काम करवाएगा, ठीक है। अब सबसे पहला जो हार्मोन डिस्कवर हुआ था, देखो फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड वाज सीक्रेटिन, फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड वाज सीक्रेटिन, इसका नाम आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, क्लियर। सीक्रेटिन ये हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के आसपास काम करता है, कौन से क्रिएट करेगा हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। एंड गाइस यहाँ पे ही छोटी सी ब्रेक लेते हुए तुम्हें बता रही हूँ, तुम लोगों को एक बार बार कंसर्न आ रहा है कि मैम सारा सिलेबस करवाओ, मैम सारा सिलेबस करवाएगी, ठीक है। सिर्फ हम उसको प्रायोरिटी बेसिस पे कर रहे हैं कि पहले सीबीएसई का कर लें, डाइजेस्टिव सिस्टम में डेफिनेटली करवाऊंगी इन दी एंड, पूरा स्केड्यूल बन चुका है, हम डेफिनेटली करेंगे ये चैप्टर, ठीक है। पर पहले हम जरा सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से कर रहे हैं, जो रिडक्शन हुई है उसके हिसाब से, इज दैट क्लियर। देखो कल मैंने आई और ईयर भी करवाया है। नाउ लिसन, सो हार्मोन, हार्मोन का मतलब जो एक्साइट करवाए, जो काम करवाए। अब सीक्रेटिन जो है ये पेंक्रियास पे एक्ट करता है, ये लिवर पे एक्ट करता है, पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूस बनवाएगा और लिवर से बाइल बनवाएगा, नाम तुमने सुने होंगे, है ना। तो काम जो करवाए उसको हमने क्या बोल दिया, हार्मोन, ठीक है। बट जैसे जैसे हमारी जो स्टडी है वो और ज्यादा डिटेल्ड हुई, हमने और ज्यादा रिसर्च की, हमें पता लगा कि हॉर्मोन्स सिर्फ एक्साइटेटरी ही नहीं होते, सिर्फ काम करवाने के लिए नहीं है, काम रुकवाते भी हैं, काम रुकना भी जरूरी है, इजंट इट। सो हॉर्मोन्स दोनों तरह के काम करेंगे, बट नाम का मतलब एक्साइटेटरी है, क्योंकि जब नामकरण किया गया तब हमारी नॉलेज थोड़ी अधूरी थी, ठीक है। बट हम इसी टर्म के साथ काम चला रहे हैं, इज दैट क्लियर, डन। चलो, सो अब हॉर्मोन्स, एक चीज पता लग गई, केमिकल्स हैं, फाइन, एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं, इनहिबिटरी भी हो सकते हैं। कौन सिक्रीट करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करती है, डन। नाउ सी, लेट्स रीड द डेफिनेशन, दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स, सिक्रीटेड कहां पे सिक्रीट होंगे, इन द ब्लड, अगर ब्लड नहीं है तो आसपास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, ठीक है। दैट इफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ अदर सेल्स, मोस्ट हॉर्मोन सर्कुलेट इन ब्लड कमिंग इन टू कॉन्टैक्ट विद एसेंशियली ऑल द सेल्स, ठीक है। तो इस ग्लैंड ने अपना हॉर्मोन डाल दिया ब्लड में, अब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ जो ब्लड है वो तो पूरी बॉडी में से सर्कुलेट हो रहा है ना, लेकिन हॉर्मोन्स जो होते हैं गाइस, दे आर वेरी वेरी स्पेसिफिक, दे आर वेरी वेरी स्पेसिफिक, ठीक है। स्पेसिफिक का मतलब कि ये अपने अपने टारगेट टिश्यू पे ही एक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने सीक्रेटिन की बात बताई, ये सीक्रेटिन गाइस सिर्फ पेंक्रियास पे एक्ट करेगा, ये सिर्फ लिवर पे एक्ट करेगा, ठीक है, लेकिन जाता तो ये पूरी बॉडी में, इजंट इट। एक्चुअली हर एक हार्मोन के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, हर एक हार्मोन के लिए रिसेप्टर्स होते हैं। नाउ सी, ये स्पेसिफिक हैं, इनके स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स होते हैं। कैसे, इस ब्लड के अंदर अलग अलग हार्मोन्स थे, ठीक है, मान लो इसके अंदर ऐसा हार्मोन भी था, इसके अंदर ये हार्मोन भी था, इजंट इट। थोड़ा बड़ा करके बनाए, चलो थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि तुम्हें और क्लियरली पता लग जाएगा। देखो, सो मान लो ये ब्लड स्ट्रीम है, ठीक है, इसमें एक इस तरह का हार्मोन है, एक ऐसा हार्मोन है, जस्ट हाइपोथेटिकल सी एग्जांपल ले रही हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये तीनों हार्मोन्स पूरी बॉडी में जाएंगे, हर एक सेल के पास जाएंगे, लेकिन हर सेल ये तीनों हार्मोन्स यूज करे ये जरूरी नहीं है। किस सेल के ऊपर किस हार्मोन का इफेक्ट होगा ये डिपेंड करेगा कि उस ऑर्गन के ऊपर किस उस ऑर्गन के ऊपर किस हार्मोन के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट था। देखो, अगर इसके ऊपर गोल वाले के लिए है तो ये यहां पे एक्ट कर जाएगा, इसके ऊपर इसके लिए है तो ये यहां पे एक्ट कर जाएगा, इजंट इट। मान लो कि इसके ऊपर दोनों के लिए रिसेप्टर्स है तो ये इसके ऊपर भी इफेक्ट कर जाएगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि किस ऑर्गन के पास किस हार्मोन के लिए रिसेप्टर्स अवेलेबल है, इज दैट क्लियर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो ये स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं एंड इनका काम सिर्फ मैसेंजर का होता है, दीज आर केमिकल मैसेंजर्स, ये सिर्फ मैसेज लेके आए हैं, तो इनकी बहुत ज्यादा अमाउंट हमें नहीं चाहिए, दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट। और जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे गाइस तो तुम्हें एक और टर्म मिलेगी, दीज आर नॉन न्यूट्रिएंट इन नेचर। नॉन न्यूट्रिएंट का मतलब कि इनसे कोई एनर्जी नहीं मिलती है, ये सिर्फ मैसेंजर्स हैं, इज दैट क्लियर। सो दे आर लाइक पोस्ट मास्टर्स हु हैव जस्ट ब्रॉट अ मैसेज फॉर यू कि हाँ ये करना है या ये नहीं करना है, इज दैट क्लियर। चलो, सो ये चीजें क्लियर हो गई। अब गाइज हम पढ़ेंगे मोर अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स
ठीक है, दिस चैप्टर इज डेडिकेटेड टू द एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हर एक ग्लैंड क्या क्या हॉर्मोन बनाती है और उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं. डन, चलिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो दीज आर द एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच यू आर गोइंग टू स्टडी. ये बिल्कुल आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है. आई होप एनसीईआरटी सबके पास है, कोई किसी को आदत तो नहीं छूट गई एनसीईआरटी के बिना क्लास में बैठने की. जल्दी से बताओ, आई होप एनसीईआरटी इज विद यू. ठीक है, जल्दी से ओपन कर लो एंड यू विल सी दिस डायग्राम. क्लियर? नाउ सी, इसमें बहुत सारी ग्लैंड्स दे रखी हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, थायमस, पैंक्रियाज, एड्रेनल एंड अल्टीमेटली द गोनाड्स. इनके अलावा भी और छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो कई तरह के हॉर्मोन्स बनाते रहते हैं, बट ये जो ग्लैंड्स हैं इनका और कोई काम ही नहीं है. ठीक है, इनका और कोई काम ही नहीं है, बस हॉर्मोन्स बना रहे हैं. डन. नाउ सबसे पहले हमें पता लगा कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने बोला कि मास्टर ग्लैंड है क्योंकि बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करेगी. दिस इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड. आई नो वी ऑल हैव स्टडीड दिस इन 10th स्टैंडर्ड, है ना. लेकिन फिर हमें धीरे धीरे पता लगा कि इस मास्टर का भी सुपर मास्टर है, राइट? एंड हु इज द सुपर मास्टर? इट इज हाइपोथैलेमस. इट इज हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस इज द सुपर मास्टर ग्लैंड, यानी बाप का बाप, राइट? तो ये मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर है, यानी पिट्यूटरी दूसरों को कंट्रोल कर रही है, लेकिन पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस. टुडे वी विल सी हाउ डज इट हैपन. ठीक है, नाउ सी, पिट्यूटरी के अलावा वी हैव थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ये सारे नाम है, थाइमस ग्लैंड, पेंक्रियाज, एड्रिनल, टेस्टिस एंड ओवरीज, इनको कलेक्टिवली हम बोल देते हैं गोनाड्स. ठीक है, तो ये सारी ग्लैंड्स के बारे में हमने पढ़ना है. थाइमस दे रखी है, पीनियल ग्लैंड दे रखी है. तो गाइज आज हम ये ग्लैंड्स पढ़ेंगे. आज का जो लेक्चर है इट विल बी डेडिकेटेड टू हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल एंड थाइमस. करें स्टार्ट? चले तो स्टार्ट करते हैं हम अपने सुपर मास्टर के साथ, दैट इज हाइपोथैलेमस. अब ये हाइपोथैलेमस नाम तुमने नर्वस सिस्टम में भी पढ़ा था, रिमेम्बर? जब हम पढ़ रहे थे फोर ब्रेन डायनसेफलॉन, तो डायनसेफलॉन में हमने तीन चीजें पढ़ी थी, थैलेमाए, दो थैलेमाए. ठीक है, ये देखो ये दो थैलेमस है, ये जो ओवल स्ट्रक्चर है दिस इज नथिंग बट थैलेमस, राइट? और थैलेमस के ऊपर क्या होता है? एपिथैलेमस, रूफ. एंड थैलेमस के नीचे क्या होता है? हाइपोथैलेमस. तो ये जो यहाँ पे तुम्हें ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस ग्रीन रीजन इज नथिंग बट हाइपोथैलेमस. थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस, इज इट क्लियर? ऊपर होगा एपिथैलेमस. क्लियर? अब जब हाइपोथैलेमस हम पढ़ रहे थे तो आई टोल्ड यू कि हाइपोथैलेमस के दो रोल्स होते हैं. हाइपोथैलेमस इज नोन एज अ कनेक्टिंग लिंक. इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. इजंट इट? ये लाइन हमने वहां पे भी लिखी थी. उस चैप्टर में हमने पढ़ा था इसका नर्वस रोल, कि ये नर्वस सिस्टम में कैसे पार्टिसिपेट करता है, क्या नर्वस रोल है इसका. एंड वी सॉ कि भाई थर्मोस्टैट है हमारी बॉडी का, बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रखने की जिम्मेदारी इसकी है ना. थर्स्ट सेंटर यहाँ पे था, भूख का सेंटर यहाँ पे था, पेट भर गया, सेटाइटी फीलिंग यहाँ से जनरेट होती है. क्लियर? सो ये सारे काम ये कर रहा था. इनफैक्ट बहुत सारी इमोशंस को कंट्रोल करता है, सो इट वॉज अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम एज वेल, वी हैव रेड दैट. तो ये थे इसके नर्वस रोल्स. और इस चैप्टर में अब हम पढ़ेंगे इसका एंडोक्राइन रोल. ये हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है. क्लियर? नाउ लेट्स सी कि ये कौन कौन से हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करेगा. सो इन ऑल गाइज ये चार तरह के हॉर्मोन्स बनाता है. ठीक है, ये चार तरह के हॉर्मोन्स बनाएगा. मैं दो कैटेगरीज में इन चार हॉर्मोन्स को क्लासिफाई कर रही हूँ. सो देखो, एक तो ये बनाता है रिलीजिंग हॉर्मोन्स, रिलीजिंग हॉर्मोन्स. अदर इज इनहिबिटरी हॉर्मोन्स. ठीक है, रिलीजिंग हॉर्मोन्स एंड इनहिबिटरी हॉर्मोन्स. इसको हम RH कह देते हैं, इनको हम IH कह देंगे. डन. इसके अलावा ये प्रोड्यूस करता है ऑक्सीटोसिन, द लव हॉर्मोन, द बर्थ हॉर्मोन, द मिल्क रिलीजिंग हॉर्मोन. ठीक है, तो वो जादू की झप्पी कहते हैं ना, जादू की झप्पी, अच्छा फील होता है, दूसरे को हग करना चाहिए, तो वो जादू की झप्पी इसकी वजह से होती है. वो क्यों, वो जादू है क्या? वो जादू बेसिकली ऑक्सीटोसिन का जादू होता है. ठीक है,
चलो, तो दिस इज ऑक्सीटोसिन एंड द सेकेंड वन इज ADH, जिसके बारे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन द चैप्टर ऑफ एक्सक्रीशन. रिमेंबर ADH, एंटी डायरेटिक हॉर्मोन, जो एक्सेसिव यूरिनेशन से रोकता था, तो ये यहाँ से आ रहा है. वी हैव रेड इट इन डिटेल पूरा ADH का मैकेनिज्म, कि विंटर्स में क्यों यूरिनेशन ज़्यादा होगी, समर्स में क्यों कम होगी, अल्कोहल लेने से क्यों कम होती, सॉरी क्यों ज़्यादा होती है यूरिनेशन. तो ये सब ADH का कमाल था, जो हम डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल. ठीक है जी, तो ये चार हॉर्मोन्स बनाए जाते हैं बाय आर सुपर मास्टर कॉल्ड हाइपोथैलेमस. डन. अब देखो, ये अब हॉर्मोन्स कैसे काम करेंगे. ये जो रिलीजिंग हॉर्मोन्स और इनहिबिटरी हॉर्मोन्स हैं गाइस, ये एक्ट करते हैं हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड पे. हम हाइपोथैलेमस को कहते हैं सुपर मास्टर. सुपर मास्टर क्योंकि ये मास्टर को कंट्रोल करेगा, विच इज पिट्यूटरी ग्लैंड, सुपर मास्टर. ठीक है, तो अब ये दो जो हॉर्मोन्स हैं, ये बेसिकली कंट्रोल करते हैं मास्टर को, यानी पिट्यूटरी को. इन दोनों का एक्शन किस पे होने वाला है? पिट्यूटरी पे. तो ये दोनों, ठीक है, दीज टू एक्ट ऑन द पिट्यूटरी ग्लैंड. फाइंड दीज टू एक्ट ऑन द पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करेंगे, उसको बताएंगे कि तुम कुछ रिलीज करो, और ये बताएंगे कि तुम रिलीज मत करो. जो भी उसने रिलीज कर रहा है वो अलग अलग हॉर्मोन्स के लिए, इनके तरफ से रिलीजिंग और इनहिबिटरी हॉर्मोन्स आने वाले हैं. इज दैट क्लियर? चलो, अब डिटेल्स में आने से पहले पिट्यूटरी ग्लैंड देख लेते हैं. अब गाइस, पिट्यूटरी ग्लैंड बिल्कुल आपके हाइपोथैलेमस के नीचे होती है. देखो, यहाँ पे ये हाइपोथैलेमस था, दिस इज द हाइपोथैलेमस. तो हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे ये जो पर्पल कलर की दिख रही है आपको, दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड. दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड. फाइन. पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम होता है हाइपोफाइसिस. इट इज ऑल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस. ठीक है, अब पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी पूरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स में से, ठीक है, सबसे छोटू ग्लैंड है, सबसे छोटी. सो दिस इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड. ठीक है, इतनी छोटी होती है कि मटर के दाने जितनी, पी साइज्ड. ठीक है, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, और ये मटर के दाने जितनी है, पी साइज्ड है. ठीक है, सी, अब इसकी अगर मैं तुम्हें लोकेशन बताऊं, तो मैं वैसे बता चुकी हूँ इन द चैप्टर ऑफ स्केलेटन सिस्टम मूवमेंट एंड लोकोमोशन, हमने ये देखा था. रिमेंबर मैंने कहा था, यहाँ जब बिंदी लगाते हैं, है ना, जो मेन जगह होती है बिंदी की, ये बिटवीन योर ब्राउज. सो यहाँ से और सेंटर ऑफ द हेड से अगर दोनों नीडल्स जाएं, तो जहाँ इंटरसेक्शन होती है वहाँ आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है. मूवमेंट एंड लोकोमोशन मैंने तुम्हें बताया था कि जो आपके स्कल में, ब्रेन बॉक्स में स्फीनॉइड बोन है, तो स्फीनॉइड बोन के अंदर एक गड्ढा बना था. डू यू रिमेंबर सेला टर्सिका? पिछले चैप्टर्स भूलने नहीं है गाइस, आई नो बार बार आ रहा है. मैं मूवमेंट एंड लोकोमोशन का लास्ट चैप्टर, NCERT रॉक एंड रोल रह गया है, पर चैप्टर इज ओवर. ठीक है, तो वो हम करेंगे लास्ट में. नाउ सी, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, टी साइज्ड है, और नीचे वाले साइड पे प्रेजेंट है, और इसको प्रोटेक्ट किसने किया हुआ है? स्फीनॉइड ग्लैंड, सॉरी स्फीनॉइड बोन ने. स्पेशली स्फीनॉइड बोन के अंदर एक गड्ढा बनता है, डिप्रेशन बनता है, टू प्लेस इट, सेला टर्सिका. ठीक है, चलो. सो ये है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड. फाइन. अब पिट्यूटरी ग्लैंड बिल्कुल हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट होती है, उसके साथ अटैच्ड होती है. और पिट्यूटरी ग्लैंड दो लोब्स में डिवाइडेड है. इट इज डिवाइडेड इनटू टू लोब्स, ऊपर वाला, सॉरी आगे वाला एंटीरियर लोब, पीछे वाला पोस्टीरियर लोब. ठीक है, पोस्टीरियर लोब के लिए टर्म होती है, इट इज नोन एज न्यूरो हाइपोफाइसिस. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम इनको देखते जाएंगे. एंटीरियर, ए से एंटीरियर, ए से आगे, तो एंटीरियर को कहा जाता है एडीनो, एंटीरियर को कहा जाएगा एडीनो, और पिट्यूटरी को क्या कहेंगे? हाइपोफाइसिस. क्लियर? तो ये देखो अब डायग्राम, कैन यू सी दिस, है ना. अब ऊपर हाइपोथैलेमस है, नीचे पिट्यूटरी है, दिस इज हाउ दे आर प्लेस्ड. क्लियर? अब ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं. देखो, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, लेट्स मेक इट येलो. ठीक है, ये जो एरिया है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से ये जितना भी एरिया है गाइस, ये ऊपर हाइपोथैलेमस है, नीचे पिट्यूटरी है. फाइन. तो इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं पिट्यूटरी स्टॉक. क्या बोलेंगे? पिट्यूटरी स्टॉक.
यानी जो एरिया के साथ हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी कनेक्टेड है दैट इज नोन एज पिट्यूटरी स्टॉक और वी कॉल इट इनफंडिबुलम. और ये कुछ भी सिक्रीट नहीं करता इनफंडिबुलम, इट इज नॉन सिक्रीटरी. ठीक है, या तो हाइपोथैलेमस सिक्रीट कर रहा है या फिर नीचे पिट्यूटरी सिक्रीट कर रही है. अब देखो हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है. ठीक है, कुछ न्यूरॉन्स, ये जो तुम्हें न्यूरॉन्स दिख रहे हैं, ये न्यूरॉन्स जो है ये सिक्रीट करेंगे रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स. वी कॉल देम न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स. न्यूरो एंडोक्राइन न्यूरॉन्स या सेल्स. ठीक है, और ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स. दूसरी तरफ तुम्हें और भी न्यूरॉन्स नजर आ रहे हैं दैट प्रोड्यूस हार्मोन्स. अब ये जो हार्मोन, सॉरी ये जो न्यूरॉन्स हमें नजर आ रहे हैं लंबे वाले, है ना, हाइपोथैलेमस से स्टार्ट हो गए नीचे पिट्यूटरी तक पहुंच रहे हैं, ये अलग हैं और ये रिलीज करते हैं दूसरे हार्मोन्स कॉल्ड ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच. इज दैट क्लियर क्यों मैंने दो कैटेगरीज में बनाया था? तो वो जो हमने लिखे थे, देखो रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स, दीज आर सिक्रीटेड बाय गाइस, दीज आर सिक्रीटेड बाय न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स, छोटे वाले न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स. ठीक है, और ये दूसरी तरफ जो हॉर्मोन्स हैं दीज आर ऑल्सो प्रोड्यूस बाय अदर हाइपोथैलेमिक न्यूरोन्स. क्लियर? सो एज वी कैन सी इट हियर, सबको क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब ये वाले जो न्यूरोन्स हैं हाइपोथैलेमस से स्टार्ट होके कहाँ ओपन हो रहे हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में. ठीक है, तो जब हमने एक्सक्रीशन पढ़ा था आई टोल्ड यू अबाउट ADH कि ADH इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस. ठीक है, अब ये जो ADH और ऑक्सीटोसिन है कौन बना रहा है? हाइपोथैलेमस के ये वाले न्यूरॉन्स, ये लंबे वाले बना ये रहे हैं, लेकिन ये रिलीज करते हैं इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी में. देखो पिट्यूटरी ग्लैंड दिख रही है सबको पर्पल कलर में, राइट? अब गाइस ये पिट्यूटरी ग्लैंड को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, है ना, आगे एंटीरियर पीछे पोस्टीरियर. तो पोस्टीरियर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर ये वाले हॉर्मोन्स स्टोर हो जाते हैं. ठीक है, तो इसने ADH और ऑक्सीटोसिन बनाया और उसको कहाँ पे स्टोर कर दिया? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में. अब जब जरूरत पड़ेगी तो रिलीज कौन करेगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी. लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी खुद कोई हॉर्मोन नहीं बनाती है. रिमेंबर इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी हॉर्मोन, डज नॉट प्रोड्यूस एनी हॉर्मोन. इज दैट क्लियर? It does not produce any hormone. It only stores the hormones produced by hypothalamus. So it stores ADH and oxytocin. Clear? So agar question aaye ki ADH is produced by ya it is secreted by, to answer rahega hypothalamus. Theek hai? Produce ya fir secretes, one and the same thing. ठीक है, और अगर क्वेश्चन आए इट इज रिलीज्ड बाय ADH या ऑक्सीटोसिन इज रिलीज्ड बाय या इजेक्टेड बाय, रिलीज्ड वर्ड यूज होता है, तो रिलीज में किसका नाम आएगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी का. इज दैट क्लियर? ठीक है, अब आते हैं हम इंटीरियर पिट्यूटरी. अब गाइस यहां से रिलीज हो रहे हैं रिलीजिंग हॉर्मोन्स एंड इनहिबिटरी हॉर्मोन्स. ठीक है, ये रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हॉर्मोन्स एक्ट करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी पे, क्योंकि इंटीरियर पिट्यूटरी जो है ये बेसिकली होती है सुपर मास्टर, सॉरी ये होती है मास्टर ग्लैंड. हाइपोथैलेमस क्या है? सुपर मास्टर, दिस इज अ सुपर मास्टर. ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज टू हॉर्मोन्स. एंटीरियर पिट्यूटरी को मास्टर बोलते हैं बेसिकली बिकॉज ऑफ इंटीरियर रीजन. ये इंटीरियर पार्ट जो है ये एक्चुअली एक्ट करता है मास्टर ग्लैंड की तरह. इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है, अब एंटीरियर पिट्यूटरी जो है इसमें भी दो हिस्से हो जाते हैं. देखो एंटीरियर के भी दो हिस्से हो जाएंगे. तो एंटीरियर में ये देख रहे हो, ये जो येलो में मैंने मार्क किया है, ठीक है, लेट्स मेक इट मोर प्रोमिनेंट. ये जो हिस्सा है इस हिस्से को हम बोलेंगे इंटरमीडिएट लोब, क्योंकि ये दोनों के बीच में लाई कर रही है, इंटरमीडिएट लोब. बट एक्चुअली इंटरमीडिएट लोब जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी का ही हिस्सा है. दिस इज क्लियरली रिटन इन योर NCERT. ठीक है, डोंट फॉरगेट टू रीड इट. ये इंटरमीडिएट हो गया और ये आगे वाला जो हिस्सा है, ये वाला, दिस होल हिस्सा इज नोन एज, दिस इज ऑल नोन एज पार्स डिस्टालिस. इसको क्या कहेंगे? पार्स डिस्टालिस.
इंटरमीडिएट को क्या बोल देंगे, पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। तो पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टैलिस मिलके क्या बनाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। इट इज क्लियरली रिटन इन योर एनसीईआरटी, डोंट फॉरगेट टू रीड इट। लेट मी नो कि तुम्हें ये लाइन समझ में आई है या नहीं, ठीक है। तो ये वन एंड टू टुगेदर दे विल फॉर्म द इंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। और ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का गाइज हमने नामकरण क्या किया है, पार्स नर्वोसा। इसको पार्स नर्वोसा भी कहेंगे और इसको हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। इज दैट क्लियर? तो नामकरण क्लियर हुए, ठीक है। क्यों न्यूरो हाइपोफाइसिस? हाइपोफाइसिस तो पिट्यूटरी का नाम है ही है। न्यूरो इसलिए क्योंकि यहां पे न्यूरॉन्स की एंडिंग्स यहां ओपन हो रही हैं, खुद ये कोई हार्मोन नहीं बना रहा। तो इट इज द न्यूरॉन्स ऑफ हाइपोथैलेमस विच आर जस्ट रिलीजिंग देयर हार्मोन्स इन दिस रीजन, ठीक है। तो ये देखो, ये नर्व एंडिंग्स हैं, जो हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स हैं उनकी नर्व एंडिंग्स। नर्व एंडिंग्स कहां पे आ रही हैं, पोस्टीरियर के अंदर। क्यों आ रही हैं, टू रिलीज द हार्मोन्स। इज इट क्लियर? कौन से हार्मोन्स हैं वो, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच। डन। अब इसकी हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि यहां से हार्मोन्स नीचे कैसे पहुंचते हैं। नाउ दैट इज वेरी स्पेसिफिक, बट वेट फॉर इट। चलो, सो स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। ऊपर हाइपोथैलेमस, नीचे पिट्यूटरी, ठीक है। और पिट्यूटरी को कनेक्ट किसने किया है, इनफंडिबुलम ने, विच इज द पिट्यूटरी स्टॉक, सिक्रीट नहीं करती है। समझ में आ गया? चलो अब आगे चलते हैं। ये देखो, ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम, कैन यू सी हियर? अब देखो, इधर हाइपोथैलेमिक जो न्यूरॉन्स हैं ये सीधे सीधे ओपन हो रहे हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, उसकी नर्व एंडिंग्स आ रही हैं। दीज आर द नर्व एंडिंग्स, है ना, नर्व एंडिंग्स। तो उधर से जो इसने हार्मोन बनाया एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, ये ऑक्सीटोसिन ये कहाँ ओपन हो जाएगा, ये कहाँ रिलीज हो जाएगा, यहाँ पे, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच। तो ये सिर्फ स्टोर करती है या रिलीज करती है, ठीक है। और कैसे पहुँचता है, अलोंग द न्यूरॉन, न्यूरॉन खुद उसको जाके नीचे रिलीज करेगा। अब बात आती है इसकी, ये वाले जो न्यूरोएंडोक्राइन न्यूरॉन्स थे, इन्होंने क्या बनाए हैं, इन्होंने बनाए हैं रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटरी हार्मोन्स, है ना। अब ये यहां से इंटीरियर पिट्यूटरी में कैसे पहुंचेंगे, ये पहुंचेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्लड। कैसे पहुंचेंगे, विद द हेल्प ऑफ ब्लड। और यहां पे एक स्पेशल सर्कुलेशन होता है गाइस, विच इज नोन एज पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है। इट इज कॉल्ड पोर्टल सर्कुलेशन। नाउ अंडरस्टैंड क्या होता है पोर्टल सर्कुलेशन। हमने सर्कुलेशन पढ़ा है, ठीक है, हमें बहुत क्लियरली पता है किसी, ये आपका हार्ट है, राइट। सो दिस इज योर हार्ट, और हार्ट से जो वेसल ब्लड लेके जाती है टुवर्ड्स द ऑर्गन, उसको हम बोल देते हैं आर्टरी, ठीक है। सबसे बड़ी आर्टरी इज योर एओर्टा, ऑर्गन की तरफ लेके जा रही है तो आर्टरी है। ऑर्गन से दूर लेके जा रही है यानी टुवर्ड्स द हार्ट जा रहा है ब्लड, तो किसके थ्रू जाएगा, वेन के थ्रू। तो वेन कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम ऑर्गन टुवर्ड्स द हार्ट, आर्टरी कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट एंड टुवर्ड्स ऑर्गन, क्लियर, नॉर्मल सर्कुलेशन। और बीच में क्या होती है ऑर्गन के आसपास, कैपिलरीज, है ना, ऑर्गन के आसपास कैपिलरीज। ये तो हो गया नॉर्मल सर्कुलेशन। अब हमारे पास एक स्पेसिफिक सर्कुलेशन भी है। स्पेसिफिक सर्कुलेशन में क्या होता है, देखो, अब स्पेसिफिक सर्कुलेशन में क्या हो जाएगा, ऑर्गन से एक वेसल निकलती है और ये वेसल डायरेक्टली ब्लड हार्ट तक नहीं लेके जाएगी, यहां से ब्लड जाएगा एक दूसरे ऑर्गन के अंदर। दिस इज अनदर ऑर्गन, ऑर्गन नंबर टू। फर्स्ट ऑर्गन से ऑर्गन नंबर टू में पहले ब्लड जाएगा और इस ऑर्गन नंबर टू से होते हुए ब्लड जाता है बैक इनटू द हार्ट, ठीक है। तो जो टुवर्ड्स द हार्ट लेके जा रही है ये तो हमें पता है कि वेन कहलाती है, बट अब इस वेसल का क्या जो एक ऑर्गन से ब्लड को दूसरे ऑर्गन तक लेके जा रही है। नाउ दिस स्पेशल वेसल, दिस इज नोन एज पोर्टल वेन। इसको क्या कहेंगे, पोर्टल वेन। दिस इज नोन एज पोर्टल वेन, ठीक है। सो पोर्टल वेन ऐसी वेसल होती है जो ऑर्गन से ब्लड दूसरे ऑर्गन तक लेके जाती है, ना कि डायरेक्टली टू द हार्ट, क्लियर। अब देखो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि इस ऑर्गन से चीजें पहले इस ऑर्गन में उतर सकती है,
Are you getting this? It happens in case of your digestive system. आपके जो intestine से blood है वो directly heart की तरफ नहीं जाता. Intestine से blood पहले जाता है liver के केस में, ताकि intestine जो उस blood में बहुत सारे nutrients लेके आ रहा है वो nutrients liver पहले store कर लेगा और फिर बाकी के blood को heart के पास भेजता है. So that is very important. अगर liver तक blood पहले ना जाए तो liver कभी चीज़ों को store ही नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो anyways, तो जो वेसल ऑर्गन यानी इंटेस्टाइन और लिवर को कनेक्ट करती है वो क्या कहलाती है? हिपैटिक पोर्टल वेन. ठीक है, नाम आएगा ये डाइजेशन में, बट इतना याद रख लेना, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन तक कनेक्ट करना है तो नाम क्या होगा? पोर्टल वेन. वह वेन का नाम पोर्टल वेन और ओवरऑल सर्कुलेशन को पोर्टल सर्कुलेशन बोल देते हैं. इज दैट क्लियर? चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हियर. सो देखो, सो हाइपोथैलेमस के लिए गाइस, ये हाइपोथैलेमस में वेसल आ रही है, सो दिस इज नोन एज हाइपोथैलेमिक आर्टरी. ये हाइपोथैलेमस में आ रही है तो हाइपोथैलेमिक आर्टरी. क्लियर? ये क्या बनी उसकी? कैपिलरीज. ठीक है, अब यहां से जो वेन निकली, ये वाली वेन, ये जो वेन हाइपोथैलेमस से आ रही है, ये कहां जा रही है? पहले ये जा रही है टुवर्ड्स द पिट्यूटरी. तो इस वेन को हम बोल देते हैं पोर्टल वेन. इस वेन का नाम क्या हो जाएगा? पोर्टल वेन. ठीक है, सो पोर्टल वेन से ब्लड दोबारा कहां जाएगा? इंटीरियर पिट्यूटरी में. सो एक ऑर्गन से ब्लड दूसरे ऑर्गन में जा रहा है, डायरेक्टली बाहर नहीं जा रहा और हार्ट के अंदर नहीं जा रहा. इज दैट क्लियर? अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका फायदा ये है गाइस कि ये जो रिलीजिंग और इनहिबिटरी हॉर्मोन्स है हाइपोथैलेमस ने बनाए, ये रिलीजिंग हॉर्मोन्स और इनहिबिटरी हॉर्मोन्स बना के उसने किसमें डाल दिए? कैपिलरीज में. ठीक है, कैपिलरीज से वो ब्लड जाएगा हाइपोटल वेन में. अब वो रिलीजिंग हॉर्मोन्स और इनहिबिटरी हॉर्मोन्स, इस रिलीजिंग हॉर्मोन्स एंड इनहिबिटरी हॉर्मोन्स इस पोर्टल वेन से होते हुए कहाँ जा रहे हैं? इंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर. तो यहाँ एरोहेड दिया हुआ, ये एरोहेड बाहर की तरफ क्यों मार्क किया है? कि पोर्टल वेन के थ्रू जो इनहिबिटरी हॉर्मोन्स या रिलीजिंग हॉर्मोन्स आए हैं वो कहाँ रिलीज कर दिए जाएंगे? इंटीरियर पिट्यूटरी को. यानी कि मैसेज हाइपोथैलेमस का किसके पास पहुंच गया? इंटीरियर पिट्यूटरी के पास, कि रिलीज करो या इनहिबिट करो. बात क्लियर हुई? ठीक है, लेट मी नो कि ये चीज तुम्हें क्लियर हुई है, अदरवाइज आई विल लाइक टू रिपीट इट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर. डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. वैसे कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है. एक ऑर्गन से ब्लड पहले कहां जाएगा? दूसरे ऑर्गन में. पहले ब्लड हाइपोथैलेमस से कहां जा रहा है? इंटीरियर पिट्यूटरी में. ठीक है, क्यों जा रहा है? ताकि इसके हाइपोथैलेमस के रिलीजिंग हार्मोन्स या इनहिबिटरी हार्मोन्स कहां पहुंच जाए? इंटीरियर के पास. ठीक है, तो इंटीरियर को मैसेज मिल जाता है कि ये करना है ये नहीं करना, और फिर उस हिसाब से इंटीरियर पिट्यूटरी अपने हार्मोन्स बना के किसमें डाल देगी? बैक इनटू द ब्लड. और ये पिट्यूटरी की वेन है जो बाहर निकल जाएगी. इज दैट क्लियर? सो ये है पिट्यूटरी की वेन, हाइपोफाइजियल वेन. इज दैट क्लियर? सो इस तरह से जो हॉर्मोन्स हैं, हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स हैं, वो पिट्यूटरी तक पहुंचते हैं. रिलीजिंग और इनहिबिटरी हॉर्मोन्स किसके थ्रू पहुंचेंगे? पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू. और ये एडीएच और ऑक्सीटोसिन कैसे पहुंचेगा? अलोंग द नर्व एंडिंग्स. इज दैट क्लियर? तो ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए. सो हाइपोथैलेमस और इंटीरियर पिट्यूटरी को कौन कनेक्ट करता है? पोर्टल सर्कुलेशन. ध्यान से सुनना, हाइपोथैलेमस और इंटीरियर को कौन कनेक्ट करता है? पोर्टल सर्कुलेशन. यहां लिख देती हूं, इट इज बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड इंटीरियर पिट्यूटरी. ठीक है, और ये नर्व एंडिंग्स किसको कनेक्ट करती हैं? हाइपोथैलेमस को और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को. इज दैट क्लियर गाइस? डन. चले हम, तो हमें ये क्लियर हो गया कि ये कैसे आपस में कनेक्टेड है, कैसे सुपर मास्टर मास्टर के ऊपर कंट्रोल रखता है. डन. चलो अब हम फाइनली देखते हैं इनके हॉर्मोन्स. तो गाइज हाइपोथैलेमस के जो हॉर्मोन्स हैं, देखो हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स हमें क्लियर है. सो एक तरफ से तो सिक्रीट हो रहा है एडीएच, एंटी डायरेटिक हॉर्मोन. ठीक है, या फिर इसको हम क्या कहते हैं? वैसोप्रेसिन. ठीक है, और दूसरा हॉर्मोन क्या है? अनदर हॉर्मोन इज ऑक्सीटोसिन, है ना? ऑक्सीटोसिन द लव हार्मोन, बर्थ हार्मोन और द मिल्क रिलीजिंग हार्मोन. ठीक है, सो दिस इज लव हार्मोन.
जादू की झप्पी इज नथिंग बट ड्यू टू ऑक्सीटोसिन. ठीक है, ऑल्सो वी कॉल इट मिल्क रिलीजिंग हॉर्मोन्स. देखो अगले साल जब तुम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो उसमें मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर तुम कई हॉर्मोन्स का इफेक्ट देखने वाले हो. वैसे थोड़ा सा आइडिया मैं तुम्हें इसी चैप्टर के एंड में दे दूंगी, बट अंडरस्टैंड. तो मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर बहुत सारे हॉर्मोन्स का इफेक्ट होना है. उनकी डेवलपमेंट, उनकी साइज की एनलार्जमेंट ड्यूरिंग प्यूबर्टी अलग हॉर्मोन करवाएगा. उसके अंदर जो मेमोरी लोब्स बनते हैं वो अलग हॉर्मोन है. मिल्क का प्रोडक्शन कोई और हॉर्मोन करवाएगा और मिल्क को रिलीज ये हॉर्मोन करवाएगा. आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो ये सारे हम लास्ट में एक बार देख लेंगे. फिर प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी के एंड में जो बच्चे का बर्थ होना है, जो पार्चुरेशन होनी है, ऑक्सीटोसिन ने करवानी है. सो इट इज ऑल्सो नोन एज बर्थ हॉर्मोन. ठीक है, तो क्यों बर्थ हॉर्मोन कह रहे हैं? क्योंकि यूट्रस के ऊपर एक्ट करेगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस करवाएगा. तो व्हाई डू वी कॉल इट? देखो बर्थ हॉर्मोन क्योंकि किस पे एक्ट करता है? यूट्राइन वॉल्स पे. तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन विच विल हेल्प इन बर्थ. ठीक है, मिल्क इजेक्टिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्ट करता है ये मेमोरी लोब्स पे, मेमोरी ग्लैंड्स पे. ठीक है, और लव हार्मोन क्योंकि इसका माइंड के ऊपर भी इफेक्ट होता है. ठीक है ना, वो ममता वाली फीलिंग, वो जादू की छप्पी किसी के लिए भी. ठीक है, बी इट फॉर योर मेट, फॉर योर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, या फिर कोई भी योर फ्रेंड. तो जो वो अच्छी सी फीलिंग होती है ना कि हाँ जादू की छप्पी, याद रखना ऑक्सीटोसिन. ठीक है, कि सब ठीक है, अच्छा जो फील होता है ऑक्सीटोसिन. ठीक है, चलो ADH का हमें क्लियर है. ADH का काम क्या है? एंटी डायरेटिक. तो एक्ट करता था DCT एंड CT पे. ठीक है, क्या करवाता है? वाटर रीएब्जॉर्प्शन, वाटर रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम DCT एंड CT कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स. ठीक है, वेसोप्रेसन क्यों कहा? क्योंकि वेसल्स को प्रेस करेगा, वेसल्स को दबाएगा. एरिया कम होगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, सो इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर. ठीक है, तो ये हमने सारी चीजें पढ़ रखी हैं. डन, चलो अब हम आते हैं इसके दूसरे हॉर्मोन्स पे जिनका नाम है रिलीजिंग हॉर्मोन्स एंड इनहिबिटरी हॉर्मोन्स. सो रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हॉर्मोन्स. ठीक है, तो ये रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हॉर्मोन्स किसके ऊपर एक्ट करते हैं? दे एक्ट ऑन, यहां पे लिख देते हैं, दे एक्ट ऑन इंटीरियर पिट्यूटरी. ठीक है, तो इंटीरियर पिट्यूटरी से या तो रिलीज करवाएंगे या फिर इनहिबिट करवाएंगे. क्लियर? अब कौन कौन से रिलीजिंग और इनहिबिटरी हॉर्मोन्स होते हैं उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हॉर्मोन्स रिलीज करती है. तो इसको हम थोड़ा सा रोकते हैं. एंड नाउ लेट्स गो टू हाइपोफाइजियल यानी पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स. ठीक है, तो गाइज यहाँ पे मैं हाइपोफाइसिस जरा ड्रॉ कर देती हूँ. तो ये देखो, ये आपकी हाइपोफाइसिस है. ठीक है, सो दिस इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी. पोस्टीरियर पिट्यूटरी तुम्हें बता दिया कि खुद कोई हॉर्मोन नहीं बनाती. ठीक है, ये है बीच में इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया, इंटरमीडिएट लोब. अब इंटरमीडिया जो है ये एक हॉर्मोन बनाती है जिसका नाम है MSH, मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन, MSH. ठीक है, अब ये कोई हॉर्मोन नहीं बनाती. और एक उसके आगे वाला हिस्सा, ये पार्स डिस्टेलिस, ये पार्स डिस्टेलिस बनाता है कई सारे हॉर्मोन्स. पार्स डिस्टेलिस, ठीक है, ये बनाएगा बहुत सारे हॉर्मोन्स. एंड नाउ लेट्स सी विच ऑल हॉर्मोन्स आर दीज. सो देखो, सो गाइस लेट्स फोकस. पार्स डिस्टेलिस का देखो, नंबर वन जो हॉर्मोन है दैट इज ग्रोथ हॉर्मोन, दैट इज ग्रोथ हॉर्मोन. सबसे ज्यादा अगर कोई हॉर्मोन रिलीज होता है ना पिट्यूटरी द्वारा तो वो ग्रोथ हॉर्मोन है सबसे ज्यादा. ठीक है, उसके बाद क्योंकि मास्टर ग्लैंड है तो अब दूसरी ग्लैंड्स को रोकने के लिए या स्टिमुलेट करने के लिए इसके पास हॉर्मोन्स है. तो थायराइड से काम कराने के लिए इसके पास है थायराइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन. ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन TSH. ग्रोथ ह॑ार्मोन इज नोन एज GH. फाइन, फिर ये हमारी एड्रिनल ग्लैंड से भी हॉर्मोन्स रिलीज करवाएगी. एड्रिनल ग्लैंड वही है जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है. तो
तो एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज करवाने के लिए इसके पास है एड्रिनल कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन ACTH, ठीक है ACTH। इसके बाद ये मेमोरी ग्लैंड्स पे भी एक्ट करवाएगा। यू रिमेंबर अभी मैंने तुम्हें बताया कि मिल्क का रिलीज कौन करवा रहा है, ऑक्सीटोसिन। लेकिन मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर मिल्क बनेगा किसकी वजह से, मिल्क बनवाने के लिए इट हैज प्रोलैक्टिन। क्या है प्रोलैक्टिन, PL, ठीक है। अब गोनाड्स आपकी टेस्टीज या ओवरीज उनको भी यही कंट्रोल करेगी, तो गोनाड्स को कंट्रोल करने के लिए गाइस यहां पे एक हार्मोन बनता है दैट इज गोनाडोट्रोपिन्स। गोनाडोट्रोपिन्स इसको हम बोलते हैं GN, इज दैट क्लियर। सो ये है GN। तो दीज आर द हार्मोन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय पार्स डिस्टेलिस। अब तुम देखो ये सारे के सारे जो हार्मोन्स हैं ये दूसरों को स्टिमुलेट कर रहे हैं, है ना, दूसरे ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो इसलिए इंटीरियर पिट्यूटरी के गाइस हार्मोन्स को हम बोल देते हैं, इसके हार्मोन्स को हम बोल देते हैं स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स या फिर ट्रॉपिक हार्मोन्स, दे आर नोन एज ट्रॉपिक हार्मोन्स, इज दैट क्लियर। सो हार्मोन्स ऑफ पार्स डिस्टेलिस आर नोन एज स्टिमुलेटिंग और ट्रॉपिक हार्मोन्स, के ए मतलब नोन एज, इज दैट क्लियर, समझ में आया। अब तुम्हें यह भी पता है कि पार्स डिस्टेलिस जो है किसके कंट्रोल में है, किसके कंट्रोल में था ये, इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस, है ना। तो अब देखो ये जितने भी हॉर्मोन्स हैं ये कौन रिलीज करवा रहा है, सुपर मास्टर। तो इन सब हॉर्मोन्स के लिए सुपर मास्टर के पास कोई ना कोई रिलीजिंग या इनहिबिटरी हॉर्मोन है। तो इंटीरियर पिट्यूटरी ने ग्रोथ हार्मोन क्यों बनाया, क्योंकि हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आया। उसने प्रोलैक्टिन क्यों बनाया, क्योंकि पीएल आरएच आया। इसी तरह से एसीटीएच आरएच, टीएसएच आरएच एंड सिमिलरली जीएन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब इसी सुपर मास्टर ने पिट्यूटरी को रोकना भी है, तो रोकने के लिए ये दूसरे हार्मोन्स भेजेगा कि बस करो ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करो, तो जीएन आईएच जाएगा, क्लियर। इसको सोमैटो स्टैटिन भी बोल देते हैं, सोमैटो स्टैटिन, स्टैटिन वर्ड इज फॉर स्टैटिक, रोकने के लिए। इसी तरह से पीएल आईएच होगा, एसीटीएच बनने से रोकने के लिए ये आईएच जाएगा, टीएसएच आईएच जाएगा और गोनाड्स को भी रोकने के लिए जीएन आईएच जाएगा, इज दैट क्लियर। तो इतने सारे रिलीजिंग और इतने सारे इनहिबिटरी हॉर्मोन्स जाते हैं फ्रॉम हाइपोथैलेमस टू पार्स डिस्टेलिस और उस हिसाब से उसको मैसेज मिलता है, इज दैट क्लियर। अब देखो इनका काम, काम तुम्हें बहुत क्लियरली पता लग रहा है। ग्रोथ हॉर्मोन क्या करेगा, ग्रोथ करवाएगा, किसकी, ग्रोथ ऑफ मसल्स, बोन्स, स्किन। लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है गाइस, लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है, लार्जेस्ट ऑर्गन होता है स्किन। तो जैसे जैसे तुम लंबे हो रहे हो तुम्हारी स्किन भी तो इनलार्ज हो रही है, इजंट इट। तो स्किन की, बोन्स की, मसल्स की डेवलपमेंट ग्रोथ कौन करवा रहा है, ग्रोथ हार्मोन। अच्छा याद रखना माइंड के ऊपर इसकी कोई डेवलपमेंट का, सॉरी माइंड की डेवलपमेंट का, सॉरी माइंड की डेवलपमेंट के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता है, ठीक है। तो वो जो आपकी इंटेलिजेंस डेवलप हो रही है वो ग्रोथ हार्मोन के अंडर नहीं है। तो अगर बाय चांस किसी में ग्रोथ हार्मोन कम है तो उसकी हाइट कम हो सकती है, ठीक है, वो ड्वार्फ हो सकता है, या अगर ज्यादा हो गया तो वो बहुत बड़ा हो सकता है, जायंट बन सकता है, बट उससे इंटेलिजेंस के ऊपर असर नहीं होता। सो ड्वार्फ्स कैन बी एज इंटेलिजेंट एज एनीवन एल्स, क्लियर। चलो चलो उसके बाद आते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो TSH इट विल स्टिमुलेट द, नाम से पता लग रहा है थायराइड ग्लैंड। अब फिर थायराइड ग्लैंड अपने हॉर्मोन्स बनाएगी, ये हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टिको ट्रॉपिक हॉर्मोन, देखो नाम समझो, एड्रिनल ग्लैंड कॉर्टिको, एड्रिनल ग्लैंड ना ऐसी सी ग्लैंड होती है, ठीक है। इसके दो हिस्से हम बना देते हैं, बाहर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला, ठीक है। तो हम दोनों को पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन ये वाला हॉर्मोन किसके ऊपर इफेक्ट करता है, सिर्फ कॉर्टेक्स बाहर वाले रीजन पे। सो इट स्टिमुलेट्स एड्रिनल कॉर्टेक्स एरिया, ठीक है। सो नाम इसका चंटू मंटू नहीं रखा गया, है ना, जिनका कोई मतलब ही नहीं है, इनका नाम इनके काम के हिसाब से रखा गया है। नाम खुद बताता है कि मेरा काम क्या है, इट स्टिमुलेट्स एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड, फाइन।
प्रोलैक्टिन का इफेक्ट किस पे होगा? इट स्टिमुलेट्स मिल्क प्रोडक्शन इन द मेमोरी ग्लैंड्स. तो देख लेना, मिल्क रिलीज पूछा है या मिल्क प्रोडक्शन पूछा है. मिल्क का रिलीज, मिल्क का इजेक्शन, इजेक्शन या रिलीज इज वन एंड द सेम थिंग. ऑक्सीटोसिन. मिल्क प्रोडक्शन कौन करवाएगा? प्रोलैक्टिन. ठीक है. गोनाडोट्रोपिन्स किस पे एक्ट करेंगे? एक्ट ऑन गोनाड्स. इज दैट क्लियर? अब गाइज, ये जो गोनाड्स के लिए एक्ट करने वाले जीएन है ना, ये दो तरह के होते हैं. मैं इनका इफेक्ट यहां पे नहीं बताऊंगी, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम गोनाड्स स्टडी करेंगे. ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा. वैसे तो ये बेस्ट डिस्कस होता है इन द चैप्टर ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बट आई विल टेल यू इन दिस चैप्टर इटसेल्फ, बट इन द एंड गोनाड्स के लिए. ठीक है, तो अभी बस याद रखना दो हॉर्मोन्स आएंगे, FSH, LH. क्या होता है? वेट फॉर इट. ठीक है जी, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं पार्स इंटरमीडिया का. ये जो हार्मोन है MSH स्टैंड्स फॉर मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. नाम तोड़ो और देखो, सोचो तुम्हें मतलब समझ में आ रहा है. गाइस, ऐसा कभी नहीं होगा कि तुमने सारी बायोटर्म्स पढ़ी हो, हमारे साथ भी ऐसा नहीं होता, बट एक ट्रिक सीख लीजिए कि नाम को तोड़ो. ठीक है, देखो मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मिलानोसाइट, मेलन, मिलानो वर्ड इज फॉर मेलानिन, साइट मीन्स सेल, है ना. तो मेलानिन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है ये. तो मिलानोसाइट, मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स. मेलानिन कहाँ होता है? स्किन में. जितना मेलानिन उतनी पिगमेंटेशन, इजंट इट. तो जितना ये हार्मोन होगा उतने आपके मेलानोसाइट्स यानी मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स स्टिमुलेट होंगे, उतना वो मेलानिन रिलीज करेंगे, उतना मेलानिन फैलेगा. जितना मेलानिन फैलेगा उतनी स्किन डार्क होगी. तो ये काम है इसका. तो मिलानोसाइट का काम क्या? मिलानोसाइट का काम है टू स्टिमुलेट द मिलानोसाइट्स. तो ये क्या करवाता है? ये करवाता है डार्कनिंग ऑफ स्किन. अब ये मत सोचना कि हमारे अंदर जो कलर डार्क होता है वो इसकी वजह से होता है. नो, हमारे केस में जो कलर है वो जेनेटिकली डिसाइडेड है, या फिर वो तुम्हारे एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेगा. तुम धूप से कितना एक्सपोज्ड होते हो, है ना, टैनिंग खतरनाक चीज. अदरवाइज इट इज जेनेटिकली डिसाइडेड. यहाँ पे MSH जो है, ये जो डार्कनिंग इफेक्ट है, पिगमेंटेशन जो होती है, ये लोअर ऑर्गेनिजम्स में कॉज करता है. ठीक है, सो डार्कनिंग ऑफ स्किन या पिगमेंटेशन ऑफ स्किन ये कॉज की जाती है इन लोअर वर्टिब्रेट्स. ठीक है, इन लोअर वर्टिब्रेट्स. हमारे ऊपर ये इफेक्ट शो नहीं करता. हमारे अंदर मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का थोड़ा बहुत जो इफेक्ट होता है ना, वो गोनाड्स पे हो जाता है. ठीक है, सो हमारे अंदर इन हायर वर्टिब्रेट्स, जैसे कि हम, इट इफेक्ट्स ऑन वर्टिब्रेट्स, इट इफेक्ट्स गोनाड्स. थोड़ा बहुत गोनाड्स को स्टिमुलेट करने का इफेक्ट रखता है ये, बट डार्कनिंग ऑफ स्किन, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, मेलानिन की डिस्पर्शन करवाना, ये लोअर वर्टिब्रेट्स के अंदर कौन करवाएगा? MSH. कहाँ से सिक्रीट होता है? पार्स इंटरमीडिया से. इज दैट क्लियर गाइज? सो आई होप इस टेबल में तुम्हें सारे हॉर्मोन्स क्लियर हो जाते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का तुम्हें पता लग गया है कि वो हॉर्मोन नहीं बनाती, सिर्फ हाइपोथैलेमस के दो हॉर्मोन्स को स्टोर करेगी और ज़रूरत पड़ने पर रिलीज करेगी. इज दैट क्लियर गाइज? एक बार जल्दी से इसको देख लेना पॉज करके. ठीक है, आई होप इट विल बी क्लियर टू यू, एंड देन लेट्स मूव ऑन टू द डिसऑर्डर्स. अब देखो, क्योंकि कंट्रोल करते हैं, रेगुलेशन करते हैं, तो अगर इनका ज्यादा सिक्रीशन हो गया तो भी गड़बड़ होगी, कम हो गया तो भी गड़बड़ होगी. ठीक है, अब गाइज देखो, हाइपोथैलेमस के अगर रिलीजिंग हॉर्मोन्स ज्यादा बन गए तो क्या होगा? पिट्यूटरी भी वही अपने हॉर्मोन ज्यादा बनाएगी. अब अगर पिट्यूटरी ज्यादा हॉर्मोन्स बनाएगी तो वही स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन ज्यादा बनेंगे, तो उन जिन ग्लैंड्स के ऊपर उनका एक्शन होना है वो ग्लैंड्स ज्यादा हॉर्मोन्स बनाएंगे. समझ आ रहा है? जैसे TSH RH ज्यादा बन गया, देखो हम जो यहाँ पे हाइपोथैलेमस ने TSH RH ज्यादा बना दिया, तो क्या होगा? एंटीरियर पिट्यूटरी TSH भी ज्यादा बना देगी, है ना. अगर TSH ज्यादा बन गया तो हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्सिन भी ज्यादा बना देगी. तो समझ में आ रही है बात, है ना. तो ये डिसऑर्डर हो जाएगा. हाइपर सिक्रीशन से सारी हॉर्मोन्स जो रिलेटेड हॉर्मोन्स हैं वो हाइपर हो जाएंगे. ठीक है, अगर ये कम हुआ तो ये भी कम और ये भी कम.
ठीक है. अब मैं इसलिए हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स का डिसऑर्डर यहाँ पे नहीं डिस्कस करूंगी, डिस्कस करूंगी जब मैं इनके ये फाइनल जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी हाइपर सिक्रीशन, यानी कल हम जो थायराइड ग्लैंड का देखेंगे तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे थायरॉक्सिन की हाइपर सिक्रीशन से क्या हो सकता है या हाइपो सिक्रीशन से क्या हो सकता है. समझ में आया, दे आर इंटर रिलेटेड. अब यहाँ पे एक चीज बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, देर आर टू थिंग्स दैट यू मस्ट नो. वन इज पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है, एंड अनदर इज नेगेटिव फीडबैक. नाउ सी, ये कुछ कुछ तुम्हारे फीडबैक से रिलेटेड है. देखो, पॉजिटिव फीडबैक, जैसे तुम कमेंट सेक्शन में इतना हमें मोटिवेट करते हो तो हमारी और ज्यादा काम करने की और ज्यादा मेहनत करने की इच्छा होती है ना. तो अब देखो, ये ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा होगा. तुम समझ रहे हो, सिमिलर इफेक्ट है ना. तुम्हें अच्छा लग रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, सेम इफेक्ट हो रहा है. तुम और मोटिवेट कर रहे हो, हम और ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, सिमिलर इफेक्ट. उल्टा भी हो जाता है. अब अगर तुम सब मिलके हमें हमेशा डीमोटिवेट करोगे तो फिर हमारी भी डीमोटिवेशन होगी, हम भी शायद कम काम करें. और तो हमारे ऊपर ऐसा असर नहीं होता क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं कि यू गाइज आर सो लाइक स्वीट कि तुम हमें डीमोटिवेट कभी होने ही नहीं देते, है ना. तो एनीवेज, इनके केस में ऐसा हो जाता है, अगर ये कम हुआ तो ये भी कम हो जाएगा, ये कम हुआ तो ये भी कम हो जाएगा. तो ये होती है पॉजिटिव फीडबैक. पॉजिटिव डज नॉट मीन कि इंक्रीज. नो, पॉजिटिव का मतलब होता है सेम इफेक्ट होना. एक इंक्रीज होगा, दूसरा भी इंक्रीज होगा, तीसरा भी इंक्रीज होगा. समझे, जब हॉर्मोन्स के ऊपर, ग्लैंड्स के ऊपर सिमिलर इफेक्ट हो रहा है तो दैट इज पॉजिटिव फीडबैक. इसका इसके ऊपर पॉजिटिव फीडबैक है, यानी ये इंक्रीज तो ये भी इंक्रीज, ये डिक्रीज तो ये भी डिक्रीज. इसी तरह से इसका भी इसके ऊपर कैसा इफेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव. TSH बढ़ेगा तो थायरॉक्सिन भी बढ़ेगा, TSH कम होगा तो थायरॉक्सिन भी कम होगा. दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक. डन. नाउ कमिंग ऑन टू नेगेटिव फीडबैक. नेगेटिव का मतलब होता है एक अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है. नाउ सी, इसका इसके ऊपर तो पॉजिटिव था, लेकिन थायरॉक्सिन का TSH के ऊपर गाइस नेगेटिव इफेक्ट होता है. समझो, हमारे ब्लड के अंदर, देखो हमने एक स्टेटमेंट टर्म पढ़ी हुई है, होम्योस्टासिस, कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, है ना. तो हर चीज का एक बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है. जब ब्लड के अंदर सफिशिएंट थायरॉक्सिन हो जाता है तो सफिशिएंट थायरॉक्सिन होने की वजह से मैसेज पहुंचता है हाइपोथैलेमस को कि बस हो गया, मेरा काम चल रहा है, अब बस करो. आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो ये थायरॉक्सिन का इसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होगा. इसका इसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट है, ये बढ़ेगा तो थायरॉक्सिन बढ़ेगा, लेकिन अगर ये बढ़ गया, थायरॉक्सिन बढ़ गया तो TSH डिक्रीज करेगा, TSH RH डिक्रीज करेगा. बात समझ में आ रही है ना, क्लियर है. तो हाइपोथैलेमस ज्यादा हार्मोन बनाएगा तो थायराइड ज्यादा बनाएगा, लेकिन जब थायरॉक्सिन सफिशियंटली ज्यादा हो जाएगा तो मैसेज पहुंचेगा कि बस इतना ही था और नहीं चाहिए. तो थायरॉक्सिन के ज्यादा इंक्रीज होने से, इसके ज्यादा इंक्रीज होने से ये डिक्रीज होता है. ये जो उल्टा इफेक्ट हो रहा है इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक. इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो. सो दिस वॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक. अब डिसऑर्डर्स की बात कर रही थी तो दैट आई विल डिस्कस इन ईच एंड इंडिविजुअल ग्लैंड. एक बता देती हूँ, दैट इज रिलेटेड टू ग्रोथ हार्मोन. ठीक है, देखो, ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा रिलीज हुआ तो ज्यादा को कहेंगे हाइपर सिक्रीशन, है ना. गुस्सा ज्यादा आने को कहते हैं ना कि हाइपर हो गया बंदा, हाइपर मीन ज्यादा. ठीक है, हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपो सिक्रीशन. नाउ सी, सो हाइपर सिक्रीशन, अगर ग्रोथ हार्मोन जरूरत से ज्यादा बन गया गाइस तो बॉडी बढ़ती जाएगी, बोन्स बढ़ती जाएंगी, है ना. तो क्या होगा, हाइपर सिक्रीशन में होता है जाइगेंटिज्म. बट ये तब होगा जब बच्चा है कोई, यानी कि जब तक बोन्स में, ये होता है चाइल्डहुड में, जब तक बोन्स की एपिफाइजल प्लेट्स क्लोज नहीं हुई. देखो बोन्स, ठीक है, यहां पे ना एपिफाइजल प्लेट्स होती हैं. तो जैसे जैसे गाइस हमारी बोन्स बढ़ती है ना, तो ये जो एपिफाइजल प्लेट्स हैं ऐसे करते करते कन्वर्ज हो जाएंगी. तो जैसे जैसे बोन बढ़ रही है, कन्वर्ज होती होती क्लोज हो जाएंगी. ठीक है, दीज आर द एपिफाइजल प्लेट्स. जिस दिन एपिफाइजल प्लेट्स क्लोज हो गई उस दिन बोन इलोंगेशन बंद हो जाती है.
ठीक है, तो इसका मतलब जब तक तुम्हारी हाइट बढ़ रही है तुम्हारी एपिफाइजल प्लेट्स क्लोज नहीं हुई है. जिस दिन एपिफाइजल प्लेट्स क्लोज हो गई उस दिन ग्रोथ होनी बंद हो जाएगी, फिजिकल ग्रोथ, नॉट टॉकिंग अबाउट इमोशनल और मेंटल ग्रोथ एट ऑल. ठीक है, तो ये है एपिफाइजल प्लेट्स. तो जो ग्रोथ हार्मोन है वो इन एपिफाइजल प्लेट्स को क्लोज नहीं होने देता बचपन में. ठीक है, सो इट लीड्स टू इलोंगेशन, और अगर ज्यादा हो गया तो ओवर इलोंगेशन, इट विल मेक यू अ जायंट, जैसे खली है, और भी कई होते हैं, इजंट इट. अब मान लो कि एक बार बोन्स जो हैं उनकी एपिफाइजल प्लेट्स क्लोज हो गई. ठीक है, एक बार अगर एपिफाइजल प्लेट्स क्लोज हो गई और अब अगर आपकी इंटीरियर पिट्यूटरी ने ग्रोथ हार्मोन एकदम से ज्यादा बनाना शुरू कर दिया तो क्या होगा? जब एपिफाइजल प्लेट्स क्लोज हो जाती हैं तो बोन ऊपर से तो बढ़नी नहीं, बढ़ नहीं सकती. ठीक है ना, मान लो कि ये बोन है, एपिफाइजल प्लेट्स क्लोज हो गई तो बोन इधर से नहीं बढ़ सकती, ना इधर से बढ़ सकती है ना इधर से बढ़ सकती है. अब अगर ग्रोथ हार्मोन आएगा तो वो क्या करेगा? बोन को तो प्रेशर दे रहा है वो कि बढ़ो बढ़ो बढ़ो, यहां से तो वो बंद बंद हो गई एपिफाइजल प्लेट्स तो वो नहीं बढ़ेगी, तो बोन बीच में से बढ़नी शुरू हो जाती है ना. तो क्या होगा? बोन ऐसे बीच में से बढ़नी शुरू हो जाएगी, बोन्स बेंड होनी शुरू हो जाएंगी. सो एडल्टहुड में अगर ये ज्यादा रिलीज होता है सो इट लीड्स टू अ कंडीशन नोन एज एक्रोमिगैली, लीड्स टू कंडीशन नोन एज एक्रोमिगैली. बोन्स यहां बीच में से बढ़नी शुरू हो जाती हैं, उंगलियां बीच में से टेढ़ी होनी शुरू हो जाती हैं, ये बीच में से बढ़नी शुरू हो जाती हैं. गुरिला लाइक अपेरेंस, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? गुरिला लाइक अपेरेंस, समझ रहे हो? खली को दोनों प्रॉब्लम्स हैं, वो जायंट भी है और उसको एक्रोमिगली भी है, समझ में आ रहा है? सो दिस इज व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द हाइपर सिक्रीशन. अब हाइपो सिक्रीशन पे आओ, अगर चाइल्डहुड में हाइपो सिक्रीशन हुई यानी कि जब लंबा होने का टाइम है और ग्रोथ हार्मोन नहीं बन रहा तो बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी, फिजिकल ग्रोथ स्टंटेड रह जाएगी, तो क्या होगा? ड्वार्फिज्म, क्या हो जाएगा? हाइट नहीं बढ़ेगी, ही विल बी अ ड्वार्फ. लेकिन अब याद रखना कि मेंटल डेवलपमेंट पे इसका कोई असर नहीं होगा, सो इंटेलिजेंस बिल्कुल नॉर्मल होती है, नॉर्मल इंटेलिजेंस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटेलिजेंस नॉर्मल रहेगी. इज दैट क्लियर गाइस? सो आई होप द टू सॉरी द थ्री कंडीशंस आर क्लियर. तो देख लेना हाइपर सिक्रीशन उसने किस में पूछा है, चाइल्डहुड में या एडल्टहुड में, और हाइपो सिक्रीशन बचपन में होती है तो ड्वार्फिज्म है, बड़े होके अगर होती है तो बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आएगा. इज दैट क्लियर? चलो सो अब हम चलते हैं, ये पोर्टल सर्कुलेशन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू. ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर. पोर्टल सर्कुलेशन किस किस को कनेक्ट कर रहा है? हाइपोथैलेमस को टू द इंटीरियर पिट्यूटरी, राइट, ताकि जो रिलीजिंग हॉर्मोन्स हैं वो यहां तक पहुंच सके. सो यहां से रिलीजिंग हॉर्मोन्स और इनहिबिटरी हॉर्मोन्स पहुंचाए जाते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी तक. ठीक है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस टू यू इन द प्रीवियस स्लाइड्स, डन. चलो अब गाइज हम आते हैं थर्ड ग्लैंड पे, दैट इज पीनियल ग्लैंड. अब पीनियल ग्लैंड देखो ये आपके यहां पे प्रेजेंट है, ब्रेन का ही पार्ट है, लेकिन ब्रेन के अंदर ये जो रीजन है यानी कौन सी साइड पे पड़ रहा है? पोस्टीरियर रीजन पे, इजंट इट? सो इट इज फाउंड ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ डायएनसेफलॉन, पोस्टीरियर साइड ऑफ डायएनसेफलॉन. डायएनसेफलॉन हमने पढ़ रखा है ना, इट इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन. बहुत छोटी सी ग्लैंड होती है और ये ग्लैंड बनाती है एक हॉर्मोन जिसका नाम है मेलाटोनिन. इट सिक्रीट्स मेलाटोनिन. ठीक है, अब ये जो मेलाटोनिन है ना, ये मेलाटोनिन आपके अंदर आपकी रूटीन एक्टिविटीज के बेस पे एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करता है. अगर मुझे 2 बजे खाना खाने की आदत है और टीचर ने ओवर टाइम ले लिया, एक्स्ट्रा क्लास लगा ली, तो 2 बजे मेरे पेट में चूहे दौड़ने शुरू हो जाएंगे, इजंट इट? अगर 10 बजे सोने की आदत है और सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, कल पेपर है, तो तुम्हें 10 बजे नींद आनी शुरू हो जाती है ना, बहुत भयंकर नींद आती है. लेकिन वो 15-20 मिनट रुकने की देर है, अगर तुमने वो पार कर दिए तो फिर तुम चाहे लेट भी सो तो उतना फर्क नहीं पड़ता, इजंट इट? तो वो 15-20 मिनट में वो जो इतना भयंकर नींद का झोंका आ रहा है ना, क्योंकि रोज सोने की आदत है 10 बजे, तो वो किसकी वजह से? मेलाटोनिन की वजह से. सो बायोलॉजिकल क्लॉक को कौन मेंटेन करता है या सेट करता है? मेलाटोनिन. ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक या फिर इसको सर्काडियन रिदम भी कहते हैं, सर्काडियन रिदम.
जितनी भी पीरियोडिक एक्टिविटीज होती है ना, जो तुम एक रिदम में करते हो, रिपीटेडली करते हो, रूटीन में करते हो, उनको ये सेट करता है। पेट में चूहे दौड़ने शुरू हो जाते हैं, क्यों? चूहे तो है नहीं, तो क्या दौड़ रहा है? बेसिकली गैस्ट्रिक मूवमेंट शुरू हो जाती है, गुड़गुड़ शुरू हो जाती है ना, क्योंकि रोज आदत पड़ी हुई है आपकी गैस्ट्रिक मसल्स को कि इस वक्त उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन करनी है, क्योंकि उस वक्त पेट में फूड जाता है, तुम भेजते हो, लेकिन आज तो एक्स्ट्रा क्लास लग गई, तो वो गुड़गुड़ होनी शुरू हो जाती है, वो अजीब अजीब सी आवाजें साथ वाले को भी सुनाई देती हैं, है ना। तो वो कौन करवा रहा है? मेलाटोनिन करवा रहा है। इसी तरह से गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्लीप वेक साइकिल, तो ये सारी चीजों को कौन कंट्रोल करेगा? योर मेलाटोनिन। सो सी, स्लीप वेक साइकिल, अगर मुझे सुबह 7 बजे उठने की आदत है, क्योंकि 8 बजे मेरी क्लास होती है, तो मेरी नींद 7 बजे खुलती है, इजंट इट? तो स्लीप वेक साइकिल। देन और क्या है? भूख लगना। तो जितनी भी रूटीन एक्टिविटीज हैं, राइट, मेंस्ट्रुअल साइकिल, दूसरे ऑर्गेनिजम्स में देखा जाए तो उनका ब्रीडिंग साइकिल, क्योंकि उनमें वो ब्रीडिंग टाइम फिक्स्ड होता है, सो दैट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय मेलाटोनिन। इज दैट क्लियर गाइस? अगर ये मेलाटोनिन कम हो जाए तो नींद आने में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, लोगों को इंसोम्निया होना शुरू हो जाता है, क्लियर? तो उनको फिर मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, और उनको खास तौर पे कहा जाता है कि एक टाइम पे खाना है, 10 बजे को सोना है तुमने या 11 बजे तुमने सोना है, अकॉर्डिंग टू योर एक्टिविटीज, योर लाइफस्टाइल, ठीक है, योर वर्क। तो 11 बजे खाओ और फिर सो जाओ, लेट जाओ, अगले दिन पे 11 बजे खाओ, ताकि बॉडी में वो 11 बजे ही एक रूटीन सेट होनी शुरू हो, मेलाटोनिन और रिलीज होना शुरू हो। समझ में आया? सो दिस इज हाउ इट हेल्प्स अस। देन वी हैव दिस थाइमस ग्लैंड। यस, दिस थाइमस ग्लैंड, ये देख रहे हो यहाँ पे रेड से कलर की ग्लैंड, यहाँ हल्का सा तुम्हें दिख रहा है, सो दिस इज योर हार्ट, है ना, और यहाँ पे गाइज आपका ट्रेकिया है। सो बेसिकली ये ट्रेकिया के ट्रेकिया, सॉरी, यहाँ पे तुम्हारा स्टर्नम होगा, स्टर्नम के पीछे ट्रेकिया, ठीक है। तो ट्रेकिया और हार्ट के बीच में होती है ये, हार्ट के पीछे डोर्सल साइड पे, ट्रेकिया के आगे, समझ रहे हो, ठीक है। तो दिस इज योर थाइमस ग्लैंड। अब थाइमस ग्लैंड जो है ये बनाती है एक हॉर्मोन जिसका नाम है थाइमोसिन, इट सिक्रीट्स थाइमोसिन। अब ये थाइमोसिन ऐसा हॉर्मोन है जो बेसिकली आपके WBCs को ना डायरेक्ट करता है कि चलो थाइमस में चलो। देखो, हमने पढ़ा था WBCs के बारे कि कोई भी WBC हो, ठीक है, वो WBCs कहाँ पे बनते हैं? आपके येलो बोन मैरो के अंदर, है ना, दिस इज योर येलो बोन मैरो। इधर क्या होता है? रेड बोन मैरो। अब एक WBCs होते हैं तुम्हारे लिम्फोसाइट्स, वो भी कहाँ पे बन रहे हैं? यहीं पे। अब मैंने तुम्हें बताया था कि लिम्फोसाइट्स आगे भी दो तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। यही लिम्फोसाइट्स मिलके आपका इम्यून सिस्टम बनाते हैं गाइस, ठीक है, डिटेल्स पढ़ेंगे हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में, बड़ा मजेदार टॉपिक है, लाइक वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स। एनीवे, सो ये लिम्फोसाइट्स अब अभी डिफरेंशिएट होने हैं, इन्हें अभी बी या टी में डिफरेंशिएट होना है। देखो अभी बी या टी क्या है, अगर यहां बनने के बाद इनकी मैच्योरेशन भी यहीं पर हो जाती है, बोन मैरो में बनेंगे और बोन मैरो के अंदर ही मैच्योर होंगे, तो उन लिम्फोसाइट्स को हम बोल देते हैं बी लिम्फोसाइट्स। ये वो हैं जो एंटीबॉडीज बनाते हैं, ठीक है, तो बी स्टैंड्स फॉर बोन मैरो, कहां इनकी मैच्योरेशन होती है, बनना तो बोन मैरो के अंदर ही है, डिसाइड कौन करेगा कि मैच्योरेशन कहां होती है? तो अगर मैच्योरेशन बोन में ही होगी तो बी लिम्फोसाइट्स है और ये एंटीबॉडीज बनाते हैं तुम्हारे, ठीक है। और अगर ये लिम्फोसाइट्स निकल के थाइमस ग्लैंड में चले गए, ये है थाइमस ग्लैंड, तो थाइमस ग्लैंड के अंदर जाके ये बनते हैं टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, और ये दोनों मिलके बनाते हैं तुम्हारा इम्यून सिस्टम, ठीक है ना। सी, टी लिम्फोसाइट से मिलने वाला जो इम्यून सिस्टम होता है, दैट इज सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, CMIS, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, मीडिएटेड में सेल्स के द्वारा काम करने वाला इम्यून सिस्टम। और बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं उससे बनता है AMIS, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, क्योंकि वो एंटीबॉडीज के द्वारा काम करेगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब बात आती है थाइमोसिन की। तो थाइमोसिन कहाँ है? तो थाइमोसिन यहां पे है। तो थाइमोसिन ने ही लिम्फोसाइट्स को मैसेज दिया कि निकलो और इधर आओ और कन्वर्ट हो जाओ इंटू टी लिम्फोसाइट्स, और टी लिम्फोसाइट्स आगे 4 तरह के होते हैं। तो एनीवेज, तो थाइमस जो है ना, थाइमस को हम ट्रेनिंग स्कूल बोलते हैं, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ
टी लिम्फोसाइट्स, इनको ट्रेन करेगा और अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट करेगा, टी हेल्पर, टी मेमोरी, टी सप्रेसर, टी किलर, बहुत सारे, ठीक है, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ टी लिम्फोसाइट्स या इम्यून सिस्टम. इज दैट क्लियर? सो दिस इज द रोल ऑफ थाइमस. और इसको थाइमस की तरफ डायरेक्ट करवाने का काम किसका है? थाइमोसिन का. कौन बनाता है? थाइमस बनाती है. सो इसका मतलब थाइमस हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन जनरेटिंग योर सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. अब गाइस प्रॉब्लम ये है कि ये जो थाइमस ग्लैंड है ना, ये धीरे धीरे डीजेनरेट होती है एंड एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ये डीजेनरेट होना शुरू हो जाती है. प्यूबर्टी इट स्टार्ट्स डीजेनरेटिंग. ठीक है, तो तुम्हारी डीजेनरेट ऑलमोस्ट हो चुकी है, स्टार्ट्स डीजेनरेटिंग. इज इट क्लियर? और बाय द एज ऑफ 17 और 18 ये पूरी तरह से डीजेनरेट हो जाती है. यही रीजन है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारी इम्यूनिटी कम होती जाएगी. विद इंक्रीजिंग और एडवांसिंग एज इम्यूनिटी डिक्रीजेस बिकॉज थाइमस ग्लैंड डीजेनरेट होती है. तो ऑब्वियसली बूढ़े होते होते तो ग्लैंड बिल्कुल भी नहीं बची. तो जो बचपन की आपकी ये इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, that is what is going to save you, protect you from diseases throughout the life. धीरे धीरे और भी cells बनते हैं लेकिन T lymphocytes नहीं बनते हैं. ठीक है, वो पहले बन चुके हैं, फिर वो आपको लाइफ लॉन्ग काम देते हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं. कैसे हेल्प करेंगे हम पढ़ेंगे health and diseases वाले chapter में in the next class. ठीक है, मैं भी यहीं पर हूँ, तुम भी यहीं, इकट्ठे पढ़ेंगे वो chapter. चलो, so is that clear guys? Done? So that was all. And now, it's time for the neat pill. जैसे कि मैंने तुम्हें कल बताया था. So guys, I have been reading your comments. बहुत सारे बच्चे मुझे DM भी करते हैं कि मैम अपनी अपनी problems के साथ. I feel good also कि तुम मुझे अपनी problems बताते हो. And it is my responsibility कि मैं उनको solve भी करूँ. छोटी मोटी जो एक individual problems होती हैं, I try कि मैं message कर दूँ. ठीक है, but ये जो एक problem है कि मैम जल्दी कैसे पढ़े, तो आज neat pill में I am going to help you टू रीड फास्टर. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा सिलेबस आई अंडरस्टैंड. तो गाइज, हाउ विल यू रीड फास्टर? आई हैव सम टिप्स फॉर दैट. टू ट्राई दीज एंड लेट मी नो. ठीक है, और ये एक दिन में नहीं होने वाला, सो यू विल हैव टू कीप टेकिंग दिस पिल फॉर नेक्स्ट 21 days. ठीक है, क्योंकि कोई भी आदत बनने में कम से कम 21 दिन तो लगते हैं गाइज. ये फुल प्रूफ चीज है, मेरी टेस्टेड एंड ट्राइड चीज है. ठीक है, और इनमें से बहुत सारी चीजें मैंने खुद ट्राई की है, सो आई कैन टेल यू. ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियोस देखी और मैं तुम्हारे लिए ले आई हूँ. ये चीज़ें मैंने खुद ट्राई की. मुझे भी प्रॉब्लम होती थी फास्ट रीडिंग करने में, तो आई हैव एक्चुअली ट्राइड दिस, सो आई होप दिस विल हेल्प यू ऑल्सो. तो देखो, रीड फास्ट करने का ना सबसे पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि जब भी तुम कोई नया चैप्टर पढ़ना शुरू करते हो या फिर आज मेरे पढ़ाने के बाद तुम ये चैप्टर पढ़ोगे तो सबसे पहले चैप्टर खोलना. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव इट हियर. तो कोई भी जब चैप्टर तुम पढ़ोगे, लास्ट चैप्टर पे आती हूँ मैं. देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. सो सी, ये चैप्टर है. ठीक है, सबसे पहले तो तुम साइड पे दी हुई इसके कंटेंट्स देखो कि इस चैप्टर में है क्या, देख लिया. उसके बाद सीधा बस देखते जाओ कि चैप्टर में क्या दिया हुआ है. ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पीनियल, ये वो. ठीक है, अच्छा, टेस्टिस है, ओवरीज है, मैकेनिज्म दे रखा है, तो देख लिया. और अब सीधे आओ समरी पे, कंटेंट्स देखो, बीच में से पिक्चर्स देखो, चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स दे रखे हैं, और समरी पे आओ. एंड नाउ फर्स्ट रीड द समरी, यू विल गेट एन आइडिया ऑफ द होल चैप्टर, व्हाट द चैप्टर इज अबाउट. स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर फ्रॉम समरी. पहले कंटेंट्स देखो, समरी पे आओ. इज इट क्लियर? समरी पढ़ने के बाद तुम्हें लगेगा कि चैप्टर तुमने पढ़ रखा है, क्योंकि एक्चुअली ये चीजें तुमने थोड़ी बहुत पढ़ रखी है ना. समरी पढ़ने के बाद अब जब तुम चैप्टर पढ़ोगे तो सबसे पहले ये हमें आदत होती है कि बोल बोल के पढ़ना. मुझे भी आदत थी, और हमारा सबसे बड़ा रीजन होता है बोल बोल के पढ़ने का कि इससे कॉन्सेंट्रेशन बनती है. बट डोंट वरी, कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारी जरूर बन जाएगी अगर हम बाकी चीजों का ध्यान रखेंगे अभी. लेकिन अगर तुम ऊंचा ऊंचा बोल के पढ़ रहे हो ना, तो तुम फास्ट नहीं पढ़ सकते, क्योंकि कितना भी तुम फास्ट बोल लो तुम्हारी स्पीड कम होगी. सो डू नॉट रीड अलाउड. तो तुमने क्या करना है, तुमने एक तो अपना बैकग्राउंड में थोड़ा सा सॉफ्ट म्यूजिक रखो, पर वो ढोल वाला म्यूजिक नहीं कि जिसपे डांस करने का मन करे. बहुत ही सॉफ्ट, लाइट, काम म्यूजिक, सिर्फ म्यूजिकल. ठीक है, तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल, लाइट म्यूजिक, एंड
बहुत सारी स्टडीज ये चीज को क्लेम करती हैं, प्रूव करती हैं कि लाइट म्यूजिक जो होता है वो आपकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज भी करता है, ठीक है, लेकिन वो ढोल वाला नहीं होना चाहिए. इज इट क्लियर? दिलजीत का म्यूजिक विल नॉट हेल्प यू हियर, सो जस्ट सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, ठीक है. तो एक तो लाउड नहीं पढ़ोगे बैकग्राउंड में, अगर तुम्हारे लिए ये काम करता है तो ट्राई सॉफ्ट म्यूजिक, नहीं काम करता तो यू कैन डेफिनेटली स्किप दिस टॉपिक. देन जब भी तुम पढ़ोगे तो तुम्हारी उंगली साथ साथ चलनी चाहिए, सो इस तरह से, और ये उंगली हटनी नहीं चाहिए, एंड योर आईज शुड फॉलो योर फिंगर. और ये होता है जितनी तेज तुम्हारी उंगली घूमेगी उस पेज पे चलेगी उतनी तेज तुम रीड कर पाओगे. सिर्फ ऐसे सामने रख के मत पढ़ो, ऐसे सामने रख के बिल्कुल मत पढ़ो, तुम्हारी ड्रैग होगी, तुम्हारी स्पीड कम होगी. ऊंची नहीं बोलना कि आफ्टर द आयंस हैव रीच्ड द साइलम थ्रू थ्रू थ्रू, नो, ठीक है. सेकेंडली यू हैव टू पुट योर फिंगर और पेन और पेंसिल हियर, बट पेंसिल रखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है गाइस कि तुम हर एक लाइन को अंडरलाइन करते जाओ, वो तो बहुत ही बेकार तरीका हो जाता है नोट्स बनाने का, कुछ उसमें इंपॉर्टेंट रहता ही नहीं है. मेक श्योर कि उल्टा करके पेंसिल को रख लो या उंगली से उसको, अपनी उंगली वहां पे रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है. और अपनी उंगली को तेज चलाओ, जितनी तेज तुम्हारी उंगली चलेगी उतनी ही तेज तुम पढ़ पाओगे, ये फैक्ट है. कॉन्सेंट्रेशन बनेगी क्योंकि तुम्हारी आंखें किसको फॉलो कर रही हैं, तुम्हारी उंगली को फॉलो कर रही हैं. तुम्हारी उंगली जितनी तेज, तुम्हारी आंखें उतनी तेज चलेंगी, और तुम जितना तेज पढ़ोगे तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन उतनी ज्यादा बनती है. ट्राई इट आउट, ठीक है. ऐसा नहीं कि टीना मैम ने बोल दिया तो तुमने मानना ही है. ट्राई इट आउट एंड जस्ट डोंट गिव अप ऑन द वेरी फर्स्ट डे कि मैम ये हो नहीं रहा, यू हैव टू गिव इट सम टाइम. और कोई भी आदत बनने में 21 दिन लगते हैं, यू विल फील द डिफरेंस इन अ वीक. इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट नेक्स्ट? द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज लर्न टू रीड द ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अब देखो कई बार ना एक ग्रुप आता है जैसे जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है. जब तुम रीड करना शुरू करोगे ना, या फिर जैसे हम एक बात कर लेते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है. अभी स्टैचू ऑफ लिबर्टी जब भी तुम फिगर देख रहे हो नीचे लिखा हुआ, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक साथ पढ़ना शुरू करो. आई नो ये तुम्हें अभी चीज शायद समझ में नहीं आ रही. जैसे कि तुम कह सकते हो डाउनवर्ड्स, ये एक वर्ड है, ठीक है. डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इन द फ्लोएम, तो धीरे धीरे जैसे तुम्हारी स्पीड बढ़नी शुरू होगी ना, तुम्हारी आंख ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कैच करना शुरू करेगी, तो स्पीड और इंक्रीज होती है. देन लास्ट नॉट द लीस्ट, आई वॉन्ट कि तुम अपनी स्पीड जितनी तुम्हारी नॉर्मल स्पीड है ना, ऐसा नहीं कि अब उंगली रख ली है तो एन एनालिसिस ऑफ साइलम एक्सुडेट शोज दैट सम ऑफ द नाइट्रोजन ट्रेवल्स आर, नो, उंगली तेज जितनी तुम्हारी नॉर्मल स्पीड है उससे तेज उंगली चलनी चाहिए ताकि तुम्हारी आंखें तेज चले. गो फास्टर देन योर नॉर्मल स्पीड एंड वॉट यू थिंक इज पॉसिबल. आज हो सकता है कि स्पीड ज्यादा रखने से तुम्हें समझ एक दो चीजें कम आए, दोबारा पढ़ लो, रिविजन भी हो जाएगी एंड तुम्हारी स्पीड इसी तरह से इंक्रीज होगी. ट्राई दिस, इट हैज वर्क्ड फॉर मी, आई स्टिल यूज दीज थिंग्स. मैं आज भी बच्चों की तरह वो पेंसिल लेके पढ़ रही होती हूँ लेकिन मैं मार्क नहीं करती, ठीक है. सॉफ्ट म्यूजिक रखती हूँ अपने रूम में, बट अगर ये चीज तुम्हारे लिए एप्लीकेबल नहीं है तो यू कैन ऑब्वियसली स्किप इट. डिस्ट्रैक्ट मत होना, और गाना कौन सा चल रहा है ये मैटर करेगा, ठीक है. तो दिलजीत के गाने नहीं चलाने हैं, इसलिए प्लीज ट्राई दिस. ये प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट्स को आ रही है कि मैम इतना सिलेबस है, रीडिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा, सिर्फ नोट्स पढ़ पा रहे हैं. सो गाइज आई एम वेरी श्योर इफ यू डू दीज थिंग्स सो तुम्हारी स्पीड भी इंक्रीज होगी और उतने गिवन टाइम में तुम ज्यादा प्रोडक्टिविटी शो कर पाओगे, ठीक है. चलो ट्राई करना एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. एंड नाउ सो यू हैव टू टेक दिस नीट पिल एवरी डे एटलीस्ट फॉर 21 डेज टिल बिकम्स योर हैबिट, ठीक है. एंड डू लेट मी नो हाउ मच हेल्पफुल इट वॉज फॉर यू. डन. चलो तो ऐसी नीट पिल्स मैं तुम्हें खिलाती रहूंगी. एंड फाइनली इट इज टाइम फॉर द बर्गर क्विज गाइस. सो आज का क्वेश्चन ये है कि यू हैव टू टेल मी आई एम द हार्मोन व्हिच रेगुलेट्स योर रूटीन एक्टिविटीज एंड योर बायोलॉजिकल क्लॉक. तो ये कौन सा हार्मोन है? दैट्स व्हाट यू आंसर इन द कमेंट सेक्शन. एंड आई विल सी यू टुमारो विद मोर ग्लैंड्स मोर हार्मोन्स एंड वी विल बी होपफुली कंप्लीटिंग द चैप्टर टुमारो, ठीक है. एंड डू ईट दैट नीट पिल एवरी डे. पढ़ाई करते रहें. All the very best.